पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जगहंसाई करवाने की आदत हो चुकी है। आए दिन उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। अब तो लगता है कि इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं, मीम बनाने की मटेरियल हैं। हाल ही में उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर से उन पर हंसने का कारण दे दिया है। इसके बाद से इंटरनेट पर जमकर इमरान खान का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको लेकर तमाम तरह के मीम बनाए जा रहे हैं। TFI पर आपका स्वागत है, मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी थू-थू करवा रहा है। हर नेता चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जाने पहचाने, और जब आपका राजनीतिक कद देश में सबसे बड़ा हो तो यह भी ज़रूरी हो जाता है कि लोग आपके कामों और उपलब्धियों को जानते रहें। इमरान खान भले ही एक राष्ट्र के प्रमुख हैं, लेकिन उनके सरकार में आने से कुछ भी नहीं बदला। आज भी विदेशी सहायता पर पाकिस्तान चल रहा है जैसे वो पहले चलता था, बस कटोरे में भीख देने वाला व्यक्ति बदल गया है। कभी वो अमेरिका था तो आज चीन है। इमरान खान देश के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर उनकी मांग है, उनकी चर्चा है, लेकिन सच बात तो यह है कि 6 महीने से इंतजार करने वाले इमरान खान को अभी तक जो बाइडेन ने फ़ोन भी नहीं किया। हाल ही में इमरान खान की पार्टी ने इमरान खान के रंग बिरंगे तस्वीरों को ट्विटर पर साझा किया। इन तस्वीरों के जरिए दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच सामान्य सी होने वाली टेलीफोन कॉल बातचीत को इमरान खान की पार्टी बहुत बड़ी उपलब्धि बताकर पेश कर रही थी, लेकिन यहां दांव उल्टा पड़ गया। लोग तस्वीरों पर तंज कसने लगे और इमरान के नाम का मजाक उड़ाने लगे। PTI के ट्विटर हैंडल ने एक पोस्टर साझा किया जिसमें उनके अनुसार इमरान खान को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने टेलीफोन कॉल किया था। पार्टी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री इमरान खान को आज ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का टेलीफोन कॉल आया। इसी तरह जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से भी एक टेलीफोन कॉल प्राप्त करने के बाद पार्टी के हैंडल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री इमरान खान को जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का टेलीफोन कॉल आया। किसी भी पोस्टर में सबसे अधिक जानकारी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट के साथ हुई फोन कॉल के बारे में थी। उस ट्वीट में लिखा था, प्रधानमंत्री इमरान खान को आज डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने टेलीफोन कॉल किया। अफगानिस्तान की ताज़ा स्थिति पर चर्चा हुई। डच प्रधानमंत्री ने उनके निकासी प्रयासों के समर्थन और सुविधा के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। जनता ने इमरान खान की पार्टी के टेलीफोन कॉल ट्वीट्स का मजाक बनाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, जब आप नौकरी से नफरत करते हों और आपको बेवकूफ़ इमरान खान का पोस्टर बनाना हो सिर्फ इसलिए क्योंकि पश्चिम से मान्यता प्राप्त करनी है। एक व्यक्ति ने यह भी लिखा कि इस महान अवसर पर राष्ट्रीय छुट्टी ऐलान कर देना चाहिए। पाकिस्तान की पीड़ा समझी जा सकती है, अमेरिका से चंदा बंद है, दूसरे पश्चिमी देश भी पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान को मुफ्त की रोटी खाने की आदत हो चुकी है, इसीलिए वो बार बार चाटुकारिता करता रहता है। मानसिक रूप से गुलाम पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए शायद ही इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो जो वो किसी को बता सकें।